नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले पार्शियल की के बारे में, तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे विद एग्जांपल। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियो की प्ले लिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट की प्ले लिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं टॉपिक पार्शियल की। पार्शियल की इज अ की using which all the records of the table cannot be identified uniquely. ठीक है, तो partial key एक वह की है जिसका इस्तेमाल करके हम एक table से, एक database table से जो सभी records हैं उनको uniquely identify नहीं कर सकते, उनको विशिष्ट रूप से identify पहचान नहीं सकते, note नहीं कर सकते। ठीक है, however a bunch of related tuples, tuples को हम क्या बोलते हैं, row। ठीक है, however a bunch of related tuples can be selected from the table using the partial key. लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते पार्शियल की का इस्तेमाल करके। पार्शियल की का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, जो बंच ऑफ रिलेटेड टपल्स है, ठीक है, कुछ जो समूह है हमारा जो रिलेट कर रहे हैं उस पार्शियल की से, ठीक है, जो उस पार्शियल की मदद से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका हम इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं बंच ऑफ रिलेटेड टपल्स को टेबल से यूजिंग पार्शियल की। ठीक है, तो पार्शियल की का इस्तेमाल करके हमें कुछ रिकॉर्ड्स को फाइंड कर सकते हैं टेबल में से। ठीक है, कुछ रिकॉर्ड्स को ही फाइंड कर सकते हैं हम पार्शियल, इसलिए इसका क्या नाम है पार्शियल। ठीक है, पार्शियल मतलब भी क्या होता है, अधूरा। क्लियर है बात, एग्जांपल की मदद से समझते हैं इसे हम पार्शियल की को। तो यहां पर देखिए, इन दिस टेबल एम्प्लॉई आईडी इज अ प्राइमरी की। तो यहां पर एम्प्लॉई आईडी जो हमारी वो क्या प्राइमरी की तरह काम कर रही है। अगर आपको प्राइमरी की का नहीं पता तो प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, जाकर देखिए प्राइमरी की को। ठीक है, एंड फर्स्ट नेम इज अ पार्शियल की। फर्स्ट नेम हमारा क्या पार्शियल की है, बिकॉज इट डज नॉट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड। अब ये पार्शियल की क्यों है, क्योंकि ये यूनिकली विशिष्ट रूप से किसी भी रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, पहचान नहीं सकता, प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, हाउएवर यूजिंग फर्स्ट नेम वी कैन स्टिल सिलेक्ट रिलेटेड टपल्स सच एज एम्प्लॉइज विद द फर्स्ट नेम जॉन और एडम। ठीक है, हालांकि ऐसा है कि हम जो फर्स्ट नेम है उसका इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, कुछ जो रिलेटेड टपल्स है, जो संबंधित हमारे जो रोज है टपल्स है ये, ठीक है, जो एम्प्लॉयज है हमारे, एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड है, उसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं फर्स्ट नेम का इस्तेमाल करें। एग्जाम्पल के तौर अगर बात करें, मैं जॉन को सिलेक्ट करता हूँ या एडम को, मान लीजिए मैं कहता हूँ फर्स्ट नेम जॉन, जॉन का डेटा चाहिए मेरे को, तो जॉन एक तो ये है और एक ये है, तो इन दोनों का डेटा मेरे को मिल जाएगा, ये दोनों मेरे को जो रोज है आउटपुट में मिल जाएंगे। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ एडम का चाहिए, तो एडम के लिए मेरे को सिर्फ एक रो मिलेगी। तो ऐसा है कि हम पार्शियल की का इस्तेमाल करके कुछ रिकॉर्ड्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं टेबल में से। ठीक है, वो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करेगा, विशिष्ट रूप से पहचान नहीं करेगा, लेकिन हम रिकॉर्ड तो प्राप्त कर ही सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था पार्शियल की के बारे में कंसेप्ट था। उम्मीद करता हूँ कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया पार्शियल की क्या होती है, किस प्रकार से वर्क करती है। ठीक है, तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स का एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो मन तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।